हाँ जी भाई, पीटी के कुछ ऐसे टास्क जिस पे आपने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ये करो चाहे ना करो एक ही बराबर है। आप इनको अटेम्प्ट करो या गलत करो या सही करो, फिर भी आपके 90 ओवरऑल आ सकते हैं। इन टास्क पे आपने अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ये टास्क कौन कौन से हैं? स्पीकिंग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, रीडिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर, रीडिंग एमसीक्यू मल्टीपल आंसर, लिसनिंग एमसीक्यू सिंगल आंसर, लिसनिंग एमसीक्यू मल्टीपल आंसर और सिलेक्ट मिसिंग वर्ड। हाईलाइट करेक्ट समरी फ्रॉम लिसनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज वेल, तो उस पर भी आप टाइम वेस्ट मत करना। आपको इन टास्क पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। इनके अलावा जो टास्क रह गए हैं, जैसे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीटेल लेक्चर, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, रीडिंग के दोनों ब्लैंक्स और एसे का टेम्पलेट, इन पे फोकस करो, यू विल बी 100% फाइन। पीटी में स्मार्ट प्ले करो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क से स्कोर आएगा। जिन टास्क ने स्कोर देना है उन पे फोकस करो, टाइम स्पेंड करो एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्कोर्स। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रैक्टिस करने के लिए आप जा सकते हो languageacademy.com.au।